बच्चा चोरी व अपहरण की झूठी अफवाह के चलते रविवार को खातेगांव नगर में करीब 4 घंटे तक फिल्मी स्टाइल में कई घटनाक्रम घटित हुए। अफवाह का बाजार गर्म रहा, सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने में जमा हो गई। पुलिस ने जानकारी दी कि मामला ना तो चोरी का है ना ही किडनैपिंग का, बल्कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग लड़की अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, उसके साथ 12 साल का उसका भाई भी था। रास्ते में उसे सूरज रघुवंशी निवासी पीपरिया मिला, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लड़की सूरज के साथ टवेरा गाड़ी में बैठकर अपनी सहेली से मिलने निकली, तो गाड़ी में लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी था। लोगों ने गाड़ी में लड़की और छोटे लड़के को बैठा देख उनसे पूछताछ की, वहीं छोड़ दिया गया। वह लोग वहां से वापस खातेगांव की ओर निकले। रास्ते में फिर लोगों ने गाड़ी रोककर पूछताछ करनी चाही, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, तो लोगों को लगा कि ये लोग लड़की का अपहरण कर यह बच्चा चोरी करके भाग रहे हैं। इस तेज रफ्तार कार को देखते हुए एवं उसमें एक बच्चे को देखकर लोगों ने बच्चा चोर गिरोह की झूठी खबर आग की तरह फैला दी। खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। अफवाह के बाद ग्राम दीप गांव के पास से तेज रफ्तार से जा रही टवेरा कार को ग्रामीणों ने रोक लिया और वाहन चालक को जमकर पीटा एवं टवेरा कार को भी फोड़ दिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और गुस्साए भीड़ के चुंगल से वाहन चालक एवं कार में सवार युवक युवती एवं बच्चे को थाने लाए एवं कार चालक को उपचार के लिए देवास रेफर कर दिया गया। कार चालक एवं कार में सवार पीपरिया के हैं। बाकी पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, पर पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह किडनैपिंग जैसे मामले से साफ इनकार किया है और सोशल मीडिया एवं अफवाह पर ध्यान देने से मना किया।